सभी मित्रों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों के दायित्व। एक दिन पूर्व मतदान केंद्र पर मतदान कक्ष केंद्र में और 100-200 मीटर के घेरे में यदि कोई ऐसे नए चित्र या प्रतीक अंकित हों जो किसी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल से संबंधित हो सकते हों, उन्हें हटाने या ढकने की व्यवस्था करें। मतदान दल एवं अभिकर्ता के बैठने के लिए पर्याप्त फर्नीचर हो। मतदान केंद्र पर आवश्यक न्यूनतम सुविधा जैसे छाया, पानी, शौचालय, रैंप, पार्किंग एवं प्रकाश की उपलब्धता देखें। मतदान प्रकोष्ठ में तेज रोशनी का सीधा आगमन न हो। वीवी पैड पर यह रोशनी नहीं पड़ना चाहिए। किसी प्रकार की कमी या समस्या होने पर सेक्टर अधिकारी या मतदान केंद्र की व्यवस्था से संबंधित कर्मचारियों को सूचित करें। दिव्यांग मतदाताओं की व्हीलचेयर प्रवेश एवं निकास, इन सब पर विशेष ध्यान देना है। मतदान कक्ष में एक दिन पूर्व एवं मतदान के दिन खाना बनाने में आग का प्रयोग ना करें। एक दिन पूर्व मतदान केंद्र पर वोटिंग कंपार्टमेंट खिड़की या दरवाजे से दूर हो। मतदाता को वोट डालते समय गोपनीयता पूर्णता बनी रहे। मतदान अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था इस प्रकार हो कि मतदाताओं के चेहरे प्रवेश के समय स्पष्ट रूप से देख सकें। मतदाता शपथ वोटर या फैसिलिटेशन पोस्टर, सूचना पोस्टर को निर्देशानुसार लगाए जावें। पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका में प्रदर्शित मॉडल मतदान केंद्र के लेआउट को आधार बनाया जावे। एक दिन पूर्व मतदान केंद्र पर नोटिस बोर्ड तैयार किया जावे जिसमें निम्न बातें सम्मिलित हों। नंबर एक, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची, साथ का मध्याह्न की तिथि एवं समय, केंद्र का नाम एवं संख्यांक, निर्वाचन क्षेत्र का ब्यौरा, मतदान अभिकर्ताओं को मॉक पोल में उपस्थित होने की सूचना, मोबाइल फोन एवं धूम्रपान निषेध की सूचना, प्रदत्त अन्य सूचना जो प्रदाय की गई हों, दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रदाय किए गए संकेत। पीठासीन अधिकारी, आरओ, एआरओ, पुलिस अधिकारी, नियंत्रण कक्ष के नंबर प्रदर्शित करना, ये सब इस बोर्ड पर तैयार करके रखना है। एक दिन पूर्व मतदान केंद्र पर अमिट स्याही रखने चौड़े वाला पात्र एवं मतदाता पर्ची हेतु तार या टोंचा की व्यवस्था करना। संवेदक सिर हर प्रपत्र या लिफाफे पर लगा होना चाहिए। समस्त प्रपत्रों को संबंधित लिफाफे में रखना, उस पर आवश्यक रिक्तियां जो लिखी जा सकें भर लेना चाहिए। मतदान अधिकारियों से संबंधित मतदान के दिन लगने वाली आवश्यक सामग्री को अलग अलग रख लेना चाहिए। एक दिन पूर्व मतदान केंद्र पर शाब्दविधिक लिफाफा सहित उनके अंदर के 5 लिफाफे और अन्य लिफाफे जिन्हें सीलबंद करने निर्देशित हों, उन्हें 3 तरफ से सील चपड़ा लगा लेनी चाहिए। दिखावती मतदान के समय सीयू एवं वीवीपैट को सील्ड करने के लिए आवश्यक हरी पत्र मुद्रा, पिंक सील, विशेष टैग, एड्रेस टैग, काला लिफाफा, धागा, चपड़ा, मोमबत्ती, धातु की सील, माचिस इत्यादि पृथक रख लेना चाहिए। संख्यांक नोट कर लेना चाहिए। वेबकास्टिंग सीसीटीवी के द्वारा निगरानी। पीठासीन अधिकारी द्वारा जिला कार्यालय के द्वारा वेंडर की प्रतिनिधि को जारी किए गए नियुक्ति पत्र की जांच की जानी चाहिए। मतदान उपरांत प्रमाण पत्र हस्ताक्षर करके देना है। मतदान दिवस पर मॉक पोल एवं वास्तविक मतदान के संपूर्ण प्रक्रिया की लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। कैमरे को ऐसे स्थान पर लगा होना चाहिए जिसे मतदाता की पहचान की प्रक्रिया, अमिट स्याही लगाना, कंट्रोल यूनिट का चालू करना प्रसारित किया जा सके। मतदान प्रकोष्ठ में मतदाता की मतदान करने की गोपनीयता संरक्षित रहना चाहिए, अर्थात वोट डालते समय गोपनीयता पूर्णता बनी रहे। पीठासीन अधिकारी को उपलब्ध कराए गए साइनेज आप वेब कैमरा सीसीटीवी की निगरानी में है। मतदान केंद्र की आउटर वाल पर मतदान केंद्र के बाहर कैमरे के नीचे लगाया जाना है। सुगम मतदान। दिव्यांग मतदाता, वृद्धजन, गर्भवती महिलाएं एवं शिशु को गोद में लेकर आने वाली माताओं को अलग लाइन बनवाकर बिना लाइन में लगे मतदान हेतु प्राथमिकता दी जाए। दिव्यांग मतदाताओं की सूची बीएलओ से प्राप्त करें।
दर्ज दिव्यांग मतदाताओं का मत देने का रिकॉर्ड भी रखा जावे। दिव्यांग मतदाताओं के लिए आवश्यक संकेत का प्रदर्शन किया जावे। इन्हें परिवहन सुविधा व्हीलचेयर उपलब्ध रहेगी। मूक बधिर दिव्यांग मतदाताओं के लिए आवश्यक सांकेतिक भाषा की जानकारी मतदान दल को होना चाहिए। पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों के दायित्व। मतदान दिवस पर पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों के क्या दायित्व हैं? पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य एवं दायित्व मतदान की सामग्री प्राप्त से सामग्री जमा तक की संपूर्ण प्रक्रिया को विधिवत पूर्ण करना, ईवीएम एवं वीवीपैट का प्रचालन, दिखावटी मतदान एवं वास्तविक मतदान की प्रक्रिया को संचालित करना, वास्तविक मतदान के समय विशेष परिस्थितियों में आवश्यक कार्रवाई करना, सेक्टर अधिकारी बीएलओ से आवश्यक जानकारी आदान प्रदान एवं प्रबंधन करना, मतदान अभिकर्ताओं के कर्तव्य निर्वहन एवं गतिविधियों पर नज़र रखना, मतदान केंद्र में और इसके इर्द गिर्द निर्वाचन विधि का परिवर्तन करवाना। मतदान अधिकारियों के कर्तव्य। प्रथम मतदान अधिकारी P1। P1 के क्या कर्तव्य हैं? नंबर एक है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी। नंबर दो, निर्वाचक की पहचान के लिए इपिक या आयोग द्वारा जारी अन्य वैकल्पिक दस्तावेज की सूची से निर्वाचक की पहचान करें। नंबर तीन, चिन्हित प्रति में पुरुष निर्वाचक को तिरख रेखा खींचकर तथा महिला के प्रकरण में तिरख रेखा के साथ साथ सरल क्रमांक को गोल घेर कर चिन्हित करना या अन्य मतदाता के लिए स्टार का निशान बनाए। द्वितीय मतदान अधिकारी P2 के कार्य। सामान्य निर्वाचक के बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाना, अशक्त मतदाता साथी को दाएं हाथ की तर्जनी या प्रॉक्सी मतदाता के बाएं हाथ के मध्यमा पे निशान लगाना, प्रारूप सत्र काम में मतदाताओं को रजिस्टर के प्रभारी मतदाता स्लिप जारी करना। शेष अगला वीडियो में। धन्यवाद।